हेलो दोस्तों, अब करेंगे पैंट की कटिंग। तो ये है पैंट का साइज। पैंट है जो प्लेट वाली है, सामने क्रीज वाली, और ये पैंट की लंबाई हो गई मोरी, पट, कमर और हिप। ठीक है, पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लें। से मैंने किया है और सही मार्क कर लें यहां से। इस ऊपर से पैंट का छोड़ दें और उसके बाद में लंबाई, जैसे इसकी लंबाई है 35, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया 35। 35 का हाफ हुआ 17.5, इससे 2 इंच पर 18.5, 19, 19.5 पर उठने का मार्क कर दिया। ठीक है, और हिप इसकी है 36, 36 का चौथाई 9 इंच, 9 2 18 36। तो मैंने हिप रखी है, हिप के हिसाब से सीट रखी है 9 इंच। अब इसको सीधा मार्क कर देंगे। अगर पेंट की लंबाई ज़्यादा हो तो लंबाई के हिसाब से रहती है सीट, अगर हिप ज़्यादा हो तो हिप के हिसाब से रखनी चाहिए। नीचे मार्जिन जो होल्डिंग होगा वो मैंने 3 इंच रखा है इसमें। कमर की चौथाई लगानी है, जैसे 32.5 है, 8 इंच एक सूत बनती है चौथाई। यहाँ पे हो जाएगा कमर का, तो कमर है इसकी 32.5, 32.5 का चौथाई है 8 इंच एक सूत। तो 1 इंच मैंने दबाव का रख दिया है, 9 इंच एक सूत और 1 इंच प्लेट का, तो यहाँ पे मार्क कर दिया 10 इंच एक सूत का। साढ़े 11 है तो 11.5 हाफ 6.5, ये मैंने सामने क्रीज का मार्क किया है और यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। उतना ही यहाँ पे मोरी है इसकी 13.5, 13.5 का मतलब 7.5 हो गया हाफ, और इससे 3.5 से एक सूत को सेंटर मिलाया, 7.5 का मार्क कर दिया। मार्क से मैंने 1/2 इंच, आधा इंच, 1/2 इंच ना करें क्योंकि इसकी हिप ज़्यादा भारी नहीं है, 1/2 इंच मैंने डाउन कर दिया है, 1/2 इंच मात्र। और ये सामने
हमने क्रीज का मार्क कर दिया है जो साथ में छोटी क्रीज रहेगी उसका। ये हो गया जेब, जेब मतलब छोटी सी जेब बनाते हैं क्रॉस। ये होगी कमर, ये है लंबाई और ये है मोरी। अब इसका सामने को कटिंग कर देंगे। को मैंने पलट लिया और यहां से बैक कटिंग कर लेंगे। आधा इंच डाउन किया था और उसमें कुछ गई और यहाँ से 16 इंच ऊपर मैंने मार्क। कमर की चौथाई 8 इंच एक सूत और 1.5 इंच इसमें प्लस सर 9 से 1 के सूत और इससे 2 इंच आगे और दबाव का और हिप की चौथाई 9 इंच 2 से 2 इंच प्लस किया और मार्क किया और इसको स्ट्रेट करते हैं और यहाँ से भी ये राउंड। अब इसकी जो पट है वो 22, यहाँ से 2 इंच डाउन में नाप पे जिसे साइड से दबाव छोड़ के ये 22 हो गया। जिसकी हिप 37 हो उसका कम से कम यहाँ से 3.5 इंच का राउंड होना चाहिए ताकि सीट सही आए। बैक का मैंने मार्क कर दिया है, ये दबाव रख दिया है मैंने। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये दबाव मैंने इसलिए रखा है कि फल को खुली या टाइट हो तो उसको सही कर लें। Thank you.
ठीक है दोस्तों, मैंने कटिंग कर दी है पैंट की। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना, कोई भाई दोस्तों को शेयर भी करना, ठीक है।